हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप फोन पे एप्लीकेशन से किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप फोन पे एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाओगे। तो कैसे आप फोन पे एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, चलिए देखते हैं। आपको अपने मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है ओपन होने के बाद फोन पे का जो होम पेज है वो निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ आप पेज को थोड़ा नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिखाई देगा रिचार्ज एंड पे बिल्स के सेक्शन में। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करता है तो यहाँ सिंगल पे क्लिक करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा। इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद ये पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट होगा उस स्टेट का जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरे यहाँ पे कुछ जो है अकाउंट पहले से शो कर रहा है, जो मैंने फोन पे एप्लीकेशन से पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था तो वो अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप पहली बार आओगे तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ से आपको आपका जो स्टेट है उसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑल बिलर्स दिखाई देगा। जितने भी स्टेट है सभी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप अपना जो स्टेट है उस स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको सभी स्टेट का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ ऊपर सर्च बाय बिलर पे क्लिक करके आप अपना स्टेट का नाम यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका जो स्टेट है उसका बोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो है त्रिपुरा का बोर्ड है, TSECL त्रिपुरा, इस पे मैं क्लिक करूंगा। आपका जो भी बोर्ड होगा उस पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर अकाउंट नंबर, तो आपका जो बिल है उसका जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर है मतलब कंज्यूमर आईडी है वो यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ नीचे कन्फर्म पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपका जो बिल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच होकर आ जाएगा। यहाँ आपको बिल डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे कि कस्टमर का नाम यहाँ पे शो करेगा, जिसके भी नाम पे ये अकाउंट है उनका नाम यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद बिल डेट दिखाई देगा, कितनी तारीख को ये जो बिल है ये जनरेट हुआ था, और इसके नीचे आपको अमाउंट दिखाई देगा 1466 रुपीज़ का यहाँ पे बिल है, और इसके नीचे ड्यू डेट आपको दिखाई देगा। इसके नीचे है पे फ्यूचर बिल्स विथ ऑटो पे, इस पे अगर आप क्लिक करते हो नेक्स्ट मंथ जब इस अकाउंट का बिल जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पे हो जाएगा। तो आप अपने मुताबिक यहाँ से टिक कर सकते हो या फिर अनटिक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद नीचे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करोगे, जिस भी बैंक अकाउंट से आप यहाँ पे करना चाहते हो उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ ऊपर बिल अमाउंट शो करेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे अभी 1466 रुपीज़ का बिल है। मैं यहाँ पे मेरा जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा। आपको पता ही होगा सभी जो यूपीआई एप्लीकेशन है उस पे हम अपना जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उससे हम लिंक कर सकते हैं और हम रुपए क्रेडिट कार्ड से किसी भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी किसी भी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड को फोन पे एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हो, और लिंक करने के बाद किसी भी मर्चेंट को आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हो। तो कैसे आप अपना रुपए क्रेडिट कार्ड फोन पे एप्लीकेशन में लिंक करोगे, इसका एक वीडियो मैं अलग से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के अपना जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसे अपने फोन पे एप्लीकेशन के साथ लिंक कर पाओगे, और लिंक करने के बाद किसी भी मर्चेंट को आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की है या फिर नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो अमाउंट इंक्रीज हो गया है। जैसे यहाँ पे एक्चुअल बिल अमाउंट था 1466 रुपीज़, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कन्वीनियंस चार्ज अप्लाइड, मतलब यहाँ पे कन्वीनियंस फी ऐड हुआ है। कन्वीनियंस फी ऐड होने के बाद ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ अगर आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करोगे तो कोई भी कन्वीनियंस फी यहाँ पे ऐड नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो कन्वीनियंस फी ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पे करिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका CVV नंबर एंटर कर देता हूँ, और CVV नंबर एंटर करने के बाद यहाँ मैं नीचे पे पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ आपको बैक नहीं करना है, आपको ऐसे ही रखना है। अगर आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट के थ्रू पे करोगे तो यहाँ पे आपका जो UPI पिन है उसे आप एंटर करोगे, उसके बाद डायरेक्टली जो है पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है OTP एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो OTP है उसे एंटर कर देता हूँ जो मुझे मैसेज के थ्रू मिला है, और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइनली पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
यहाँ लिखा है व्यू डिटेल्स, इस पे क्लिक करके आपका जो बिल है उसका डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो इस पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ से किसी को भी शेयर कर सकते हो। उसके लिए यहाँ नीचे आप शेयर रिसिप्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू किसी को भी आप शेयर कर सकते हो इस पेमेंट रिसिप्ट को। जैसे कि मैं यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से आप जिस भी बंदे को शेयर करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ये जो रिसिप्ट है इसे आप शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन से किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप हमारे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।